बिहार में बहार है, ऐसी बातें करने वाले नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाठगबंधन नहीं महागठबंधन की सरकार बना ली है। पर ये गठबंधन जैसे अपराधियों का सा लग रहा है ना। बिहार के 33 मंत्रियों में से 23 पर तो मुकदमे दर्ज हैं, जिसपे 17 पर गंभीर अपराध के मामले चल रहे हैं। बिहार शायद अपने वो पुराने दिन याद करने वाला है जब राबड़ी देवी सीएम थी और उनके अपराधी नेताओं ने पूरे बिहार को लूट कर रखा हुआ था। खुद राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव पर 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक तो दहेज से जुड़ा मामला भी है। सोचिए, बिहार के लॉ मिनिस्टर कार्तिकेय पर खुद अपहरण के मामले का केस दर्ज है। जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन उनकी कोर्ट में पेशी भी थी। ये हैं नए बिहार के मंत्री जो वहाँ कानून और विकास लाएंगे। अब ये कैसे होगा पता नहीं, शायद क्लास टीचर बने नीतीश कुमार को लग रहा है कि सबसे शैतान बच्चे को उठाओ और मॉनिटर बना दो तो शांति रहेगी। पर वो शायद भूल गए कि वो शैतान बच्चा बाकी के अच्छे बच्चों को कितना परेशान करने वाला है।